की ओर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर कहां आपको नजर रखनी चाहिए, रणनीति बताने के लिए हमारे साथ अब कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी बताएं, सबसे पहले प्रेशियस मेटल्स की बात करते हैं और सोने चांदी में क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। प्रीशियस मेटल में आज थोड़ा हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है, हालांकि ट्रेंड काफी पॉजिटिव बना हुआ है। पर्टिकुलर जो सिल्वर है इसमें काफी अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। ओपन होके अगर सिल्वर 84,600 के ऊपर स्टेबल हो उसके बाद आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाए 84,240 का एंड टारगेट रखे 85,500 का। हालांकि गोल्ड में हायर लेवल पे 73,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। गोल्ड में अगर 73 मिलता है आज इंट्राडे में तो वहां पे सेल का मौका ढूंढना चाहिए। 73,200 के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 72,200 के टारगेट के लिए। तो गोल्ड में एंड सिल्वर में आज व्यू डिवाइडेड है। सिल्वर में बाय एंड डिप्स है, गोल्ड में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ले सकते। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बनती है? याद रखें मई के अब तक देखें तो करीब 4% की गिरावट दिखी है ब्रेंट क्रूड में, लेकिन अब स्ट्रैटेजी क्या बनती है? डेफिनेटली मार्केट में लग रहा है कि थोड़ा अभी और बिग वाली का मूव आ सकता है। पर्टिकुलर जब तक कोई बड़े मैक्रो ट्रिगर ना हो जो एक रिवर्सल के साइन को इंडिकेट करे। लेवल स्पेसिफिक 6560 के करीब क्लोज हुआ था क्रूड का मई कॉन्ट्रैक्ट। सेल करें, स्टॉप लॉस लगाए 6600 था और डाउन साइड 6460 तक के लेवल आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। और बेस मेटल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर ट्रेड के मौके कहाँ बन रहे हैं? हल्का सा क्योंकि चाइना के सीपीआई इन्फ्लेशन कल उम्मीद से ज्यादा है तो आई थिंक थोड़ा सा आज नर्वसनेस वहां पे है चाइनीज मार्केट में, तो आई थिंक वहां पे मिक्स ट्रेड रह सकता है। लगातार कॉपर में तेजी बनी हुई है और अपने रेजिस्टेंस के ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ था। अगर आज इस न्यूज के हिसाब से ये गैप डाउन ओपन होता है तो कॉपर एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है। 865 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 857 और अपर से टारगेट 878 तक के आ सकते हैं। वही जिंक में लगातार अंडर परफॉर्मेंस है और चाइना के साथ एंड चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट के साथ अच्छा कोरिलेशन होने की वजह से यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। 262 के करीब शॉर्ट करे, स्टॉप लॉस 264 लगाए और 257 तक के लेवल वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मेटल में स्ट्रेटेजी मिक्स रखनी है। जिंक में जहाँ पे चाइना का कोरिलेशन ज्यादा है वहाँ पे थोड़ा बेच है एंड कॉपर जहाँ पे प्रोडक्शन को लेकर लगातार दिक्कत है एंड इन्वेंट्री के ऑलरेडी इश्यू चल रहा है, मुझे लग रहा है कि वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये राय थी बेस मेटल्स पर। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के